खबर रीवा से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 बासघाट में उस समय हड़कंप मच गया जब किराए के मकान में रह रहे कृष्ण कुमार द्विवेदी के कमरे से अचानक आग की लपटें उठना शुरू हो गई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि किसी की बुझाने की हिम्मत नहीं हुई। बताया जाता है कि कृष्ण कुमार द्विवेदी खाना बनाने के लिए जैसे ही सिलेंडर में लाइट जलाई, वैसे ही गैस सिलेंडर की पाइप में आग पकड़ लिया और आग विकराल रूप ले लिया। गनीमत रही कि एक ही कमरे में पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन भागकर अपनी जान बचाई और कोई जन हानि नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि किराए के मकान में रह रहा था, अपनी बच्ची और परिवार के लोगों को बाहर किया, लेकिन घर हस्ती का सामान नहीं बचा पाया। फिलहाल पुलिस आगजनी का मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जाँच कर रही है। आइए देखते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं पीड़ित ने घटना की क्या जानकारी दी है। कौन सा वार्ड कहलाता है, क्या घटना? वार्ड क्रमांक 6 बासघाट कहलाता है। क्या कैसे घटना? घटना ऐसे घटी कि जैसे मैंने सिलेंडर चालू किया तो गैस चली ऊपर, मतलब वहाँ से रेगुलेटर में आग पकड़ ली। तो मैं अपने बच्चे को मतलब बाहर पहले भगाने की कोशिश किया, बुझाने की कोशिश किया, तो इतना तेज लपट थी कि मतलब मैं बुझाई नहीं पाया। फिर अपन बाहर भाग आए सब कोई छोड़ के पूरा सामान। तो क्या इतना तेज आग बढ़ गई कि सबको बताया, सब दौड़ते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतना तेज आग था। सब जल रहा था अंदर पूरा सामान। एक कमरा था हमारा, किराए का मकान है, तो लगभग जितना था सब जल गया है, कुछ भी नहीं बचा। आप यहाँ किराए से? जी जी। आप पर काबू? ये निर्मला गुप्ता जी के। आप पर काबू फिर कैसे पाया, सिलेंडर कैसे बाहर? इससे हलचल गया ना सिलेंडर को, बाहर किया गया। फिर लास्ट में सिलेंडर को मतलब पूरा जितना कम्बल उम्बल था सब डाल दिए उसमें, फिर ये जो ये राड है इससे बाहर खींचा गया, फिर भैया बाहर फेंके सिलेंडर को। फिर नुकसान तो अब हो गया, गृहस्थी का सभी सामान था, लगभग गैस चूल्हा सिलेंडर सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। आप सामने हैं, जो कुछ है देख सकते हैं आप लोग। कोई जनहानि तो नहीं? नहीं, जनहानि नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। कान में हल्का सा लपट लगी है, मतलब ये कमरे में अलग जी फोटो गिर घंटा जैसा कि